750 लीटर नकली अमूल भी हुआ बरामद। आरोपी 3 दिन के पुलिस रिमांड पर। सोनीपत जिले के गोहाना में पकड़ी गई नकली घी से भरी हुई पिकअप गाड़ी। क्राइम यूनिट गोहाना और खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। प्राथमिक जांच में पानीपत व अन्य क्षेत्र की तरफ किया जाना था नकली घी सप्लाई। तोशाम से लाया गया था नकली घी। आरोपी चालक संदीप भी तोशाम का ही रहने वाला है। पुलिस द्वारा आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि गोहाना की क्राइम यूनिट व खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर गोहाना पानीपत रोड से नकली अमूल घी की भरी हुई पिकअप गाड़ी पकड़ी गई है। मौके पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस रिमांड अवधि के दौरान पता लगाएगी कि घी की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई कहां कहां होती है। पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि अमूल का नकली घी जो तोशाम से गाड़ी आती है और वो कई जगह पे अलग अलग पानीपत में सप्लाई करती है, जो इसको विश्वसनीय मान गए। हमने एक अमूल के मैनेजर को बुला लिया था और फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर को बुला के उनके एक जॉइंट टीम करके उसकी नाकाबंदी करके उसको पकड़ा गया था, जिसको पकड़ने के बाद उसमें 750 लीटर अमूल के नकली पैकेट घी के बरामद। संदीप है जो इसमें गाड़ी चला रहा था, संदीप है प्यारेलाल का, तो शाम का ही रहने वाला है। कहाँ लेकर जाते कुछ बताएंगे? हाँ, अभी इसको कोर्ट में पेश करके 3 दिन का इसका पुलिस रिमांड लिया गया है। इससे पूछताछ की जाएगी, ये कहाँ से लाता था, किसके कहने से लाता था और ये कहाँ लेके जाता था, उस बारे में पूछताछ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।